मेरी तरफ़ से तमाम दोस्तों को बाअदब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुश रहे, आबाद रहे। मेरी हर वीडियो में ही तमाम मेम्बरान के लिए हमेशा दुआएं होती हैं। अल्लाह पाक आपको हर मकसद में कामयाबी अता फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें, आपकी फैमिली के पर्दे सलामत रहें और अल्लाह पाक मुश्किल घड़ी से हमेशा दूर रखे और आपका घराना हंसता बसता रखे। दुश्मनों की नज़रों से आपके घर को और आपकी फैमिली को अल्लाह पाक महफूज रखे और गैब के ख़जाने से मेरा अल्लाह पाक आपको इतना रिस्क अता फरमाए, अफलाई काम में हिस्सा लें, लोगों के काम आ जाएं, अच्छे कामों में आप इसे लगाएं और ख़ुद भी कोशिश किया करें किसी के काम आए। अपने लिए दोस्तों हर कोई जीता है, किसी और के भी काम आना बंदगी है, याद रख लेना, क्योंकि सब अल्लाह की मखलूकात है। अल्लाह किस जिससे राज़ी हो जाए उसकी दुनिया सवर जाती है। वो बहुत बहाने होते हैं अल्लाह को राज़ी करने के, अल्लाह कौन सी नेकी कबूल कर ले वो मेरा रब ही जानता है। दोस्तों आउट कंट्री वाले भाई जो परदेसी हैं उनके लिए भी दुआएं किया करें, अल्लाह पाक उनकी लाइलाज बीमारियाँ दूर फरमाए, परेशानियाँ दूर फरमाए, दुख तकलीफ़ें दूर फरमाए, आमीन। और दोस्तों फ़लस्तीन वाले जो हमारे मुसलमान भाई जो परेशान है कलमा गो भाई, अल्लाह उनकी फतेह कामयाबी उन्हें अता फरमा और कोई वसीला मेरा रब ताला बना दे, आमीन। आप ही दोस्तों आमीन कह दें। हर इलाज HM चैनल आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। इस पर रूहानी और यूनानी दोनों तरीके से हेल्प की जा रही है। जो मेरे चैनल के नए मेम्बरान हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मेम्बरान हमारी पुरानी वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं हमने क्या कुछ अपना ख़जाना दिया हुआ है चैनल पर, तो नीचे मेरी पिक है इत्तफाक हुसैन लिखा हुआ, वहाँ क्लिक कर दें, हमारा पूरा ख़जाना आपके सामने आ जाएगा। आप घर बैठे अपना अपने दोस्तों का हर मसले का हल कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। दोस्तों आप देखते हैं हम रूहानी वीडियो भी अपलोड करते हैं और यूनानी जड़ी बूटियों की भी अपलोड करते हैं। रूहानी वीडियो इसलिए अपलोड करते हैं हमारी बहन बेटियाँ जो हैं किसी अताई और जाली आमिल के हत्थे ना चढ़ जाए। और दोस्तों ये जड़ी बूटियों की वीडियो हम इसलिए अपलोड करते हैं कि आप घर बैठे अपना इलाज करें, ताकि जो अताई हुक्मा बहुत सारे YouTube पर भी आए हुए और दवाखाने खोल कर बैठे हुए, ताकि उनकी गिरफ्त में ना आ जाए आप, ठीक है? आप सिर्फ दुआएँ किया करें, नुस्खे बहुत हैं हमारे पास। समझ लें अभी समंदर में से एक मगज दिया आपको 5 सालों में, आप ये अंदाज़ा लगा लें, बहुत है नुस्खे हमारे पास। हमारे नुस्खों से लोगों ने बहुत अपने बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रजिस्टर करवा रहे हैं नुस्खे, कह रहे हैं हकीम साहब आपके नुस्खे बहुत अच्छे आजमुदा होते हैं। तो बस इसका अजर अल्लाह ताला देता है, इंसान तो नहीं दे सकते, ठीक है जी? तो अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, जीते रहे, फ़ायदा उठाएँ, हमें दुआओं में याद रखें। मगर दुख होता है कि आप वीडियो लाइक तक नहीं करते कुछ लोग, मैं देखता हूँ 200 बंदों ने अगर देखी है तो उसमें बहुत मुश्किल से 30 बंदों ने अगर लाइक दे दिया 20 बंदों, तो ये तकलीफ़ देने वाली बात होती है। इतना तो हक होता है हमारा, हम अपने जिगर का खून पिला रहे हैं आपको, ठीक है? लाइक दिया करें, अल्लाह आपको सलामत रखे और वीडियो किसी ज़रूरतमंद को शेयर किया करें और चैनल को आगे बढ़ाएँ, ताकि और भी लोगों को, ये भी एक नेकी होती है, लोगों को बढ़ाएँ आगे जो है शेयर किया करें वीडियो, ताकि वो भी नेकी में हिस्सा आपका मिल जाएगा। दोस्तों आज जो हम आपको नुस्खा शेयर करेंगे ये बनाएं और हमें दुआओं में याद रखें और रूहानी काम के लिए आप आ सकते हैं हमारे पास, हमारे डेरे पे। कोई भी मसाइल हैं, किसी भी खवातीन के मसले हैं, मियाँ बीवी के हैं, बच्चियों के हैं, बड़ों के हैं, कुछ भी है, तो हमारी वाइफ हैं माशाल्लाह उनको अबूर हासिल है, कराची वाले भाई उनको नज़दीक है, यहाँ हमारे पास आएँ वो, कोई भी मसाइल हैं, जाली अमल के हथे ना चढ़ें, आप आएँ हमारे पास। कोई भी असरात के मसले हैं कि शादी की बंदिश है बच्चियों की, बेऔलादी है, किसी ने बंदिश की है, या कारोबार के मसाइल हैं, या किसी की तलाक हो रही है, जायज़ मकसद के लिए आप आएंगे, या किसी को इलम किया है, या खिलाया पिलाया है, या तवीज़ गंडे किए, तो अल्लाह पाक करने वाले, हर चीज़ की काट होती है, हमारे नबियों पर भी चल गए हैं, नबियों के दौर से ये चलता आ रहा है, तो आप आ सकते हैं। और दोस्तों BP हाई के लिए जो हमारा कोर्स है 4500 का, वो हम 3500 में हम दे रहे हैं, लॉस कर दिया, 1000 माइनस कर दिया बुज़ुर्गों ने, तो ये गरीबों के लिए ख़ास रियायत है। तो डिलीवरी भी इसी में, BP हाई का मुस्तकिल आप मंगाना चाहें तो आप बिल्कुल मंगा सकते हैं। तो दोस्तों नुस्खा जो आज हम आपको बताएंगे शेयर करेंगे, ये
फालिज के मरीज़ों पे भी काम करेगा और मर्दाना ताकत के लिए भी ये इसके बहुत शानदार रिजल्ट है, और पट्ठों को जोड़ों को ताकत देने के लिए, और बेकहली रहनी, थके थके रहना, पट्ठों में जान नहीं है, ताकत नहीं है, कम खर्चे और ऐसा काम करेगा जैसे आप समझें कि कस्तूरी की ताकत हमें मिल रही है, ज़ाफ़रान की, जनबदस्तर की, रेगमाई की, मजदगी रूमी की। ठीक है जी, तो ये कुछ ऐसी भी होती हैं दोस्तों अज्ज़ा जो बड़ों के मुकाबले में वो जड़ी बूटियां काम कर जाती हैं, महंगी जड़ी बूटियों के बराबर काम करती हैं। आप नुस्खा नोट फरमाएं और हमें दुआओं में याद रखें। लौंग ले लें आप, लौंग, दारचीनी ले लें आप, जबत्री ले लें, जायफल ले लें आप, ये आप लेंगे 30-30 ग्राम, 30-30 ग्राम, इन्हें बारीक सफ़ूफ़ करें, पाउडर करें, और इसमें अजराकी, कुश्ता अजराकी, अजराकी मतबर भी कहते हैं, कुश्ता अजराकी भी कहते हैं, ये किसी भी पंसार से जाएं, ये जड़ी बूटियां लेंगे, उनके कहें भाई ये हमें दे दे, वो दे देंगे, नहीं तो एक दिन का टाइम दे देंगे या तो बता देंगे यहाँ से मिल जाएगा, हुक्मा से और पंसार से, हर्बल शॉप से मिल जाता है ये। 40 ग्राम पाउडर फॉर्म में आप लेंगे, इसी में ऐड कर लेंगे आप। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, मुनक्का, मुनक्का दोस्तों आप 150 ग्राम इसमें आप ऐड करेंगे। मुनक्के के बीज निकाल लेंगे आप, पहले बीज निकाल के मुनक्के को धोकर इसके बीज निकाल के फिर इसी सफ़ूफ में इसको कोट लें, चटुवट्टे से कोट लें, यकजान कर लें, फिर चने के बराबर जो है ऐसे ही इस्तेमाल कर लें या चने के बराबर गोलियां बना लें, इसकी कोई मसला नहीं। तो ये आपने दूध पत्ती चाय से खाना है दोस्तों, दूध पत्ती चाय के साथ जो है आपने इसे इस्तेमाल करना है, फालिज के लिए भी और पट्ठों की ताकत के लिए, जोड़ों की ताकत के लिए, थके थके से रहना, पट्ठों में खिंचाव रहता है, मर्दाना कुव्वत में कमी है, ताकत नहीं है, पावर नहीं है, ये ऐसी चीज़ है कि आप ये बूढ़े बंदों को खिलाएं जो जोड़ों से बैठे हुए बेचारे चारपाई पे, आप देखें 2-4 दिन में वो खुद कहेंगे हमें लाठी की ज़रूरत नहीं है, ये वो चीज़ मैंने दे दी आपको अल्लाह की मेहरबानी से। हमारे पास ऐसी ही 200 अज़ा होती हैं, कम खर्च वाला नशी। अच्छा जी, जिनको फालिज के मरीज़ों को देना है तो उनको फिर जो है ठंडी एशिया से परहेज कराएंगे, यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह, दही वगैरह जो है, खट्टे मीठे खट्टे जूस वगैरह जो है ये इस्तेमाल ना कराएं, ठंडे पानी से नहलाएं ना, धूप में उसको ज़्यादा रखें उन्हें, और सिकाई वगैरह भी करें रेत की, नमक की हाथों पर, और मालिश वाले भी हमारे नुस्खे हैं फालिज के, वो साथ में लगाएँ और ये खिलाएँ, देखें अल्लाह पाक के कर्म करने वाले, रहम फरमाने वाले, शिफा मिन जानिब अल्लाह, हम बताते हैं नुस्खे, बताते हैं दवाइयाँ, बताते हैं शिफा मिन जानिब अल्लाह, शिफा मेरे रब ने देनी है और इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। बस आप दुआओं में याद रखा करें। अगली वीडियो तक हुसैन भाई को इजाज़त दे दें और हमें ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।